वो अब जो अंडरपास दिया वो लगभग 3 किलोमीटर दूर जाकर दिया। अगर समाधान नहीं होता तो फिर किसान धरने प्रदर्शन को मजबूर हो और फिर कड़े निर्णय लेने को किसान बाध्य होगा। कानून तो दूसरा, जिसके पैसे हमारे पास बैठे उसका कानून दूसरा, हमारे से तो ब्याज दिया जा रहा है रोजगार। समस्या का समाधान होना चाहिए। धरना जब तक समाधान नहीं होता धरना चलता रहेगा। इसका जो अच्छा है कि हम भी कहीं सीट खुलो, हमारी भी कहीं फैक्ट्री में बात करवाए तो हम भी टिफिन ठाकर सुबह चला जाए, शाम को महीने बजे मिलेगा मिलेगा। जो बड़े लोग हो जिनके पास गाड़िया में तो हाईवे से जाते हैं, जो गरीब बोलता है वो भाई से कोई कहे से कोई कहे से उसका आता है। अगर किसी की 10,000 रुपए की मोटरसाइकिल लगे कौन हो और कर लो दूसरा इलाज हम करो, आज दूसरा इलाज हम करो। हम मैं इसी तरह का आगे रहते हुए क्या जा रहा मान लेंगे आप। शहर के किनारे से हम लोग क्षेत्र से नार से साइड से लोग आते हैं, क्योंकि इधर के पार्टी नामसंतक का सारा एरिया इधर का ही है। तो यहाँ से देखो सब जगह काम पड़ते हैं और ये नहर के किनारे वहाँ खड़े हो जा लोगों का इन्होंने इतना जीना मुश्किल कर दिया कि उत्तराखंड किसान मोर्चे का 4 सितंबर से धरना स्टेडियम कार्यालय पर चल रहा है। उसमें हमारी जो प्रमुख मांगे, एक तो सोलानी का पुल लगभग 1.5 साल से बंद चल रहा है, तो हमने विधायक जी से मांग रखी है आप यहाँ पर 20 साल से लगभग जनप्रतिनिधि हो रुड़की के, आपकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम कि आप इसका पुल का निर्माण कराकर जल्द से जल्द इस पुल को खुलवाया जाए। दूसरी डिमांड किसानों की जो स्मार्ट मीटर की चल रही, भाई जब किसान का पैसा 1.5 साल तक फसल का नहीं आता तो फिर अग्रिम भुगतान किसान बिजली का नहीं कर पाओगा। तो हमने विधायक जी से इकबालपुर शुगर मिल का 106 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है, उसका नहीं कुछ छोड़ा। बडेडी अंडर पास पर वहां पर कट मिलना चाहिए, जो नेशनल हाईवे बन रहा है बडेडी के सामने से 100 गाँव का रास्ता लक्सर गुजर रहा है, वो जो अंडर पास दिया वो लगभग 3 किलोमीटर दूर जाकर दिया। तो इन्हें सभी मुद्दों को लेकर माननीय विधायक रुड़की प्रदीप बत्ता जी से मिले और अपनी बातें रखी। हमने ये कहा आप यहाँ के जनप्रतिनिधि और सत्ता के विधायक हो, आपकी जिम्मेदारी आप इन सभी समस्याओं का समाधान कराओ। अगर समाधान नहीं होता तो फिर किसान धरने प्रदर्शन को मजबूर हो और फिर कड़े निर्णय लेने को किसान बाध्य होगा। विधायक जी ने सबके सभी पब्लिक के बीच में सभी प्रशासन के बीच में आश्वासन दिया कि फिलहाल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था 15-20 दिन के अंदर रपटे की हम दोबारा से कर रहे, जो स्कूल की गाड़ियां जो किसान देहात के जो लोग थे वो रपटे से सोलानी आदर्श नगर से होते निकल जाएंगे और 3 महीने के लगभग ढाई से तीन महीने के अंदर कुछ दस्तावेज भी उन्होंने हमें दिए कि पुल का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। कई दिन से आप धरने पर बैठे हैं, लंबा समय हो गया, कोई समाधान नहीं मिलता, कोई अधिकारी आपसे मिले? समाधान कुछ नहीं हुआ, अभी सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इंतजार कर रहे कि किसान कब उग्रो कब कड़ा निर्णय ले, जब जाकर सरकार और प्रशासन के कान खुलेंगे जब ही जाकर किसान की समस्या का समाधान पहले की भांति होता है, ऐसे ही अवाग होगा। धरना जब तक समाधान नहीं होता धरना चलता रहेगा। सरकार की जिम्मेदारी भुगतान कराने की, उनसे तुरंत ही पैसा उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जा, उसी दिन से ब्याज लग रहा है उन लोगों को। आप इसे पुल को तत्काल बनवाओ, इसे शुरू करवाओ। जो अभी तक आपकी कार्रवाई होगी वो आप अपने संबोधन में बता दियो, आपकी तरफ से क्या हो यार, कब तक की उम्मीद है, कब तक ये पुल बन जाएगा। दूसरा, इकबालपुर शुगर मिल पर 106 करोड़ रुपया पिछले आज ज्ञापन दिया गया और कई सारी समस्याएं उनकी थी और वो समस्या मैं समझता हूँ कि ज्यादा उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। चौधरी गुलशन रोड से बातचीत मेरी हुई है और सोलानी पुल को लेकर जो समस्या बताई है, बाकी वो समस्या रुड़की के लिए एक विकराल रूप ले चुकी है, उस समस्या का समाधान हो रहा है। अगले हफ्ते टेंडर टूट जाएगा और 2.5-3 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और तब तक के लिए 15-20 दिन वैकल्पिक व्यवस्था हम चालू कर देंगे, जिससे किसान भाइयों को दिक्कत हो टॉल ले जाने में और स्कूल के बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। सोलानी के पुल को तत्काल चलवा दो, इसके बिना बेहाल होगा। जो रुड़की से धक्का क्षेत्र है पूरा का पूरा, बच्चों के गाड़ियां 15-15 किलोमीटर घूम कर जा रही, 3 से 4 स्कूल हैं जिनके सबके बच्चे मोटफोट में पढ़ रहे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।